अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है प्रोडक्ट काउंटर। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास अर्डिनो का कोड है, ये सर्किट डायग्राम है और ये सिमुलेशन की फाइल है। इसको अपने प्रोटियस 8.12 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिमुलेशन में हमने यहाँ पर अर्डिनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद इंफ्रारेड सेंसर यूज़ किया हुआ है, इसके बाद एक रीसेट का बटन है, इसके बाद 16:2 की LCD यूज़ की हुई है, LCD की कंट्रास्ट सेटिंग की पिन पे 10K के पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है, एक बजर यूज़ की हुई है। चलिए अब सिमुलेशन की फाइल रन करने के लिए अर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सेल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अर्डिनो का कोड है, इसको अपने अर्डिनो ID पे ओपन कर लेना है। ये हमारा कोड है, कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से अपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है अर्डिनो यूनो। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद यहाँ से अपने कोड को कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने एक्सेल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। अगर कंपाइल करने के बाद आपको एक्सेल का एड्रेस यहाँ पे शो नहीं होगा तो आपने अर्डिनो के फाइल्स के अंदर जाना है, वहाँ से अपने प्रेफरेंसेस में जाना है और वहाँ से अपने कंपाइलेशन को सिलेक्ट कर लेना है। एक्सेल का एड्रेस अपने अर्डिनो में पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम फाइल रन करते हैं, फर्स्ट मैसेज LCD पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिली सेकेंड रिले के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने सेंसर का स्टेटस अपडेट किया हुआ है 01। इसके बाद यहाँ पर 5 डिजिट में हमने वैल्यू डिस्प्ले की हुई है और यहाँ पर ये रीसेट का बटन है और यहाँ से हम सेंसर को 01 कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर जो वैल्यू हमारी है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। अब जैसा कि हम सेंसर का स्टेटस 1 करते हैं तो काउंटिंग वहाँ पर एक ऐड हो जाती है और अगर हमने वैल्यू को रीसेट करना होता है तो यहाँ पर हम रीसेट के बटन को 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो वैल्यू हमारी रीसेट हो जाती है। अब ऐसे ही हम सेंसर से 01 का सिग्नल देंगे तो वैल्यू हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी। ये थी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का और भी दे देता हूँ। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर बैटरी यूज़ की हुई है 9 वोल्ट की पावर सोर्स के लिए। इसके बाद अर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद एक IR सेंसर यूज़ किया हुआ है, इसके बाद रीसेट का बटन यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 16:2 की LCD यूज़ की हुई है, LCD की कंट्रास्ट सेटिंग की पिन पे 10K के पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है, LCD की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16, 15 एनोड होती है, 16 कैथोड होती है। एनोड पे हमने पॉजिटिव से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज़ की हुई है, एक बजर यूज़ की हुई है। चलिए अब सर्किट डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। कोड में सबसे पहले हमने ईप्रोम की लाइब्रेरी कॉल कराई हुई है, लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी कॉल कराई हुई है, एलसीडी की पिन इनिशियलाइज़ की हुई है, फिर सेंसर के लिए पिन इनिशियलाइज़ की हुई है, रीसेट के लिए पुश बटन यूज़ किया हुआ उसके लिए पिन इनिशियलाइज़ की हुई है, बजर की पिन इनिशियलाइज़ की हुई है, इसके बाद वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ की हुई नेचर यूज़ हो रही हैं। यहाँ पर हमने बिग फाउंड के लिए 8 अरे जनरेट की हुई है जो कि 0 से 9 तक वैल्यू हमारी डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होंगी। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में यहाँ पर हमने पुश बटन की पिन और सेंसर की पिन इनपुट मोड में चलाइज की है, बजर की पिन आउटपुट मोड में चलाइज की हुई है। इसके बाद हमने अरे के एड्रेस दिए हुए हैं 1 से लेके 8 तक। इसके बाद 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है, एलसीडी पे फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ 2000 मिलीसेकंड रिले के लिए। यहाँ पर हम ईप्रोम से डाटा रीड कर रहे हैं जो हमने लास्ट वैल्यू ईप्रोम के अंदर स्टोर की होगी। यहाँ से हम अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले हम सेंसर की पिन को डिजिटल रीड कर रहे हैं और यहाँ से हम काउंटर की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर रीसेट की पिन को डिजिटल रीड रहे हैं और जैसे हम रीसेट के बटन को प्रेस करते हैं, रीसेट का बटन को होल्ड करके रखा होता है, बजर हमारी ऑन रहती है और 2 सेकंड के डिले के बाद इसने सारी वैल्यू को जीरो कर लेना है और साथ ही ईप्रोम में स्टोर कर लेनी है। यहाँ पर हमने एलसीडी के 0 करेक्टर और 0 लाइन पे सेंसर का स्टेटस अपडेट किया हुआ है। यहाँ पर हम प्रिंट नंबर के फंक्शन के अंदर 5 डिजिट में अलग अलग वैल्यू और साथ ही करेक्टर कॉल करवा रहे होते हैं कि जिस करेक्टर पे वैल्यू शो होनी है। तो यहाँ पे प्रिंट नंबर का फंक्शन है, प्रिंट नंबर के फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हम ऊपर से कॉल करवा रहे होते हैं तो जो फाउंड हमने खुद से जनरेट किया हुआ है उस फाउंड के लिए हमने कस्टम 0 से कस्टम 9 तक के फंक्शन जनरेट किए हैं। तो वैल्यू के मुताबिक हम ये फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं। जैसे कि हमने 0 डिस्प्ले करना होता है तो 0 के अंदर जो जो अरे हमें कॉल करवानी होती हैं वो कॉल करवाई होती हैं। इसी तरह ही 0 से लेके 9 तक हमने अलग अलग कस्टम के फंक्शन जनरेट किए हुए हैं, उसके अंदर नंबर के मुताबिक अलग अलग अरे कॉल करवाई हुई हैं। यहाँ पे रीड ईप्रोम का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम ईप्रोम के अलग अलग एड्रेस से वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। इसके बाद राइट ईप्रोम का फंक्शन है, तो जब भी वेरिएबल्स में कुछ चेंजिंग होती है तो साथ ही हम राइट ईप्रोम का फंक्शन कॉल करवा के वेरिएबल्स को ईप्रोम के अलग अलग एड्रेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लाइट जाके वापस आने पर रीड ईप्रोम का फंक्शन कॉल करवा के लास्ट वैल्यू जो ईप्रोम में स्टोर हुई होती है वो अपडेट कर लेते हैं। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है, अर्डिनो यूनो। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है, पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। Thank you.